विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। अपना पंचन को बता दी कि लगातार लर्निंग वेलफेयर डिजायर फाउंडेशन के द्वारा जो है यहाँ सीधी माँ एक बेहद उम्दा काम हो रहा है। उम्दा काम ऐसे हम कहा कि एक महाभारत की कथा अपना सुने हो कि दानवीर कर्ण के नाम जरूर सुने हो, कवच और कुंडल दानवीर कर्ण यदि दान करे रहे ओके बाद वो इतिहास में अमिट हो गए, अमिट हस्ताक्षर हो गए। आज तक उनका नाम पराक्रम में कम लीन जात है, दानवीर कर्ण हो के नाम पर ज़्यादा लीन जात है। वह में दानवीर एक युवक जो महज 26 वर्ष के उम्र में यह दुनिया छोड़ के चला गया और अपने परिवार अपने कहा जाए कि सामाजिक जो ताना बाना है एक असब का दुखी कह के चला गया, किंतु आज वह संस्था के अंतर्गत 17 तारीख का 17 फरवरी 2021 बुधवार का प्रातः जो है 9 बजे से 2 बजे तक एक नेत्र जांच शिविर है और वो माँ संकल्प दिवस है नेत्रदान के। यदि अपना पचे क्यों चाहिए थे कि वह नेत्रदान करे चाहिए थे संकल्प करे चाहिए थे तो वहाँ बकायदा हुआ नेत्रदानों की व्यवस्था की जाई और साथवा यदि नहीं करे चाहिए तो अपना जांच शिविर में जरूर आई। कहे कि यार राहुल थारवानी जो हैं उनके स्मृति में या जो है नेत्र जांच शिविर लगावा जा रहा है और नेत्र दान की जा रहा है संकल्प लीन जा रहा है। यह मुद्दा में हमारे साथ बात करे खातिर राहुल थारवानी के पिताजी केशवचंद थारवानी जी हैं और प्रफुल्ल थारवानी जी हैं। दोनों जने के पहले था या संकल्प दिवस खातिर जो अपना बच्चे मेहनत कर रहे हैं ऊर्जा है और लगभग अभी हमार पिताजी से बात हो रही स्वर्गीय राहुल के तो उनके द्वारा यह बता पाएगा 25 लोग जो है नेत्रदान करे खातिर तैयार है, पूरी व्यवस्था में आ चुके हैं। तो यह बताइए कैसा या कैसा अपना के मन में आवा भावना में आवा राहुल के देहांत के बाद सड़क दुर्घटना के बाद राहुल के खुद पिताजी के द्वारा जो है नेत्रदान कई दिन का रहा तक ये कैसा भावना कैसा है? इसमें राहुल की खुद की इच्छाएं हुआ करती थी, ये सारे काम वो खुद भी करना चाहता था, उसी की भावनाओं के अनुरूप हम लोगों ने भी नेत्रदान किया था उसका खुद का राहुल का भी। और उसके बाद अब नेत्र शिविर लगा रहे थे, अचानक हम लोग के मन में भी आया कि अब मरणोपरांत हम लोग भी वैसे भी राख मिट्टी में तब्दील हो जाने हैं, उससे बेहतर किसी दो जिंदगियों मतलब एक एक आँख दी जाती है किसी अंधे को एक आँख दी जाती है, सो दो जिंदगियों में कम से कम रोशनी बिखेर रहा है। आज राहुल हमारा उन दो आँखों के रूप में जीवित है कहीं ना कहीं, और उसी तरह हम लोगों ने भी अपना भी नेत्रदान करने का संकल्प लिया। मैं तैयार हुआ, मेरी मिसेज तैयार हुई, साथ में मेरा छोटा बेटा प्रफुल्ल थारवानी भी, और हम लोगों को सुन करके धीरे धीरे अब ये संख्या क्रम बढ़ता जा रहा है। अभी तक 26 लोगों के सहयोग आ चुके हैं हमें नेत्रदान संकल्प के लिए आ गए। नहीं तो ये जो संकल्प है ये 17 फरवरी का हुई 17 फरवरी नहीं ये सतत चलता रहेगा आगे भी, मतलब नहीं जैसे ये संकल्प पत्र है 17 फरवरी को अभी भरे जाएंगे संकल्प पत्र जितने 17 फरवरी कहाँ कार्यक्रम कहाँ है? ये पुराना हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे पुराना हनुमान मंदिर सराफा बाजार, ये सराफा बाजार में नेत्र जो है जाँच शिविर है। और यदि अपना के मनोभाव आबत है लगभग 26 लोगों के नाम रजिस्टर्ड हो चुके हैं जे संकल्प ले लागे कि मरणोपरांत उनका नेत्र जो है दान हो जाए, कौनो ऐसा व्यक्ति का लगावा जाए जे जन्मांध हैं या फिर ऐसा कौनो घटना दुर्घटना से उनका आँख चली गए तो उनका यदि वो आँखें मिली तो अपना के मौत के बाद वो दुनिया को आनो देखे। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई है, प्रफुल्ल लगातार जो है सोशल वेलफेयर के कामन में रहा थे। प्रफुल्ल 26 लोगों के नाम हम जाने चाहिए थे जो अभी तक या फाइनल में है को हैं? हमारा पूरा परिवार जिसमें हमारे पिताजी मैं और मेरी माताजी जो हैं उसके साथ कमल कामदार जी हैं, श्री कमल कामदार जी, श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, श्री मीना गुप्ता जी हैं, और इसी के साथ आप काफ़ी सारे नाम और भी हैं, श्री रविराज सिंह परिहार जी हैं, श्री प्रदीप कुमार सिंह परिहार जी हैं और संजय सिंह परिहार जी हैं, अशोक साकेत जी हैं, माखन मिश्रा जी हैं, और भी कुछ नाम हैं शायद लिस्ट में लिखे हुए हैं वो पिताजी मुझे देंगे बता दें। तो लगभग 26 लोग हैं या पूरे
नेत्र दान संकल्प दिवस वहाँ था, इसमें प्रेमचंद मोटवानी जी भी हैं, इनकी मैसेज जो है श्रीमती गीता मोटवानी जी हैं, प्रकाश चंद मोटवानी जी हैं, श्री भरत गुप्ता जी हैं, संतोष आहूजा जी, श्रीमती कोमल आहूजा जी, श्री रवि आहूजा जी, नरेंद्र पारवानी जी, श्रीमती आशा पारवानी जी, श्री अमरेश शुकानी जी, श्रीमती सुरम आधवानी जी, श्री बहरूमल जी, और साथ में कई अन्य लोग भी हैं जिनसे हमारी बातचीत जारी है। और हमारा सतत प्रयास है कि 7 जुलाई से पहले पहले हमारा एक निश्चय है कि हम टारगेट इतना लेके चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान हो सके। हमारा इसके पीछे उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दिव्यांग हैं, पीड़ित हैं, उनको आंखें मिल सके और वो दुनिया देख सके। और मेरा मानना यह है कि हमारे मृत्युपरांत हमारा शरीर जो है जल जाना है और राख में मिल जाना है। तो मेरा मानना यह है कि शायद हम किसी के काम आ सके मरने के बाद। और देखिए, हमारे समाज में रूढ़ियाँ बहुत सी हैं, तो इन रूढ़ियों को ख़त्म करते हुए मैं चाहूँगा कि लोग जो हैं इस बात को समझें कि हो सकता है कल को हमारे परिवार में कोई पीड़ित हो तो हम भी चाहेंगे कि हमारे लिए भी कोई ना कोई आगे आए। तो हमें आज आगे आना होगा दूसरों के लिए, जैसे लोग हमेशा जागरूक रहें हमारे आसपास। तो मैं चाहूँगा कि सीधी में एक टारगेट लेके चला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान। अब मेरी कोशिश तो रहेगी कि लगभग 1000 से ऊपर ये आंकड़ा जाए 7 जुलाई से पहले पहले। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। नेत्र जांच शिविर में आप लोग जरूर आएँ और नेत्रदान संकल्प लेने जो भी चाहें हमसे संपर्क करें। निश्चित तौर पर यह एक बेहद उम्दा काम है जो सीधी में हो जा लग है। और नेत्रदान तब करे है जब अपना के मतलब केहू के मरणोपरांत जो है वह नेत्रदान के प्रक्रिया होती है। और पूरी प्रक्रिया अपना का समझाई जाए, संकल्प पत्र अपना से भराबा जाए, यदि अपना दे चाहिए तो दे, नहीं दे चाहिए तो कोनो बात नहीं, अपना आँखें के जांच कराई। तो यह 17 फरवरी का पुराना हनुमान मंदिर के पीछे यह नेत्र जांच शिविर है, जरूर आई। और निश्चित तौर पर राहुल थारवानी के याद माँ और राहुल थारवानी के वह संकल्प जो दूसरे की त्रिजिया रहा, महज 26 वर्ष के उम्र माँ वह युवक के ऊर्जा और वोकर समाज सेवा की भावना जो है इतनी बेहतर रही कि आज पूरा सीधी जो है तैयार हो लग है कि वह नेत्र दान कर रहा है। 26 लोगन के नाम आ चुके हैं, संख्या उबड़ सका थी और शायद वो 26 लोगन के आँखन से बहुत लोगन के जिंदगी रोशन हुआ। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।